नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोदी सरकार में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, दुनिया में चमक रहा है देश। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने दी देशवासियों को बधाई। लंबी वेटिंग लिस्ट से जनता त्रस्त, थरूर बोले इस समस्या पर ध्यान दे सरकार। वंदे भारत पर एकतरफा फोकस चिंताजनक। कांग्रेस विधायक के तृणमूल में जाने पर जयराम रमेश बोले ऐसी नहीं होगी, विपक्षी एकता आईएएस अधिकारी पर आरोप तय। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, अभिषेक बनर्जी के सहयोगी को ईडी ने गिरफ्तार किया, 350 करोड़ रुपए का घोटाला है। पंजाब की आप सरकार के मंत्री का इस्तीफा, अमृतसर से एमएलए निजन ने कुर्सी छोड़ी, बलकार और गुरमित खुडिया बन सकते हैं नए मंत्री। मणिपुर हिंसा को लेकर चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने कहा मेडल लौटा देंगे, केंद्र से गुहार, शांति जल्द बहाल हो, सीडीएस बोले यह जातीय हिंसा उग्रवाद नहीं। उद्धव गुट ने दावा किया है शिंदे खेमे के 22 विधायक नाराज, महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी मचाने वाला दावा। कांग्रेस के विधायक टीएमसी में हुए शामिल तो ममता बनर्जी बोली हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं लेकिन राज्य में नहीं। मणिपुर को लेकर केंद्र ने अलग प्रशासनिक व्यवस्था की, कुकी समुदाय की मांग ठुकराई, हिंसा रोकने के लिए भेजा विशेष अधिकारी। सीएम ममता बनर्जी ने एसईसी की नियुक्ति में देरी को बताया भूतपूर्व, 1.25 लाख नौकरियां देगी बंगाल सरकार। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में विकास के पथ पर नागालैंड, तेमचंद ने की केंद्र की तारीफ। भाजपा शासन में केकेआर डीबी में भ्रष्टाचार का आरोप, सिद्धारमैया सरकार ने जांच के आदेश दिए। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा कि संसद में नहीं दी बोलने की अनुमति। संजय राउत ने फडणवीस को बताया राज्य का सबसे दुखी इंसान, कहा उनकी हालत ऐसे जैसे कमिश्नर को हवलदार बना दिया। एनसीईआरटी के खिताब से हटाया गया खालिस्तान का जिक्र, एसजीपीसी ने कहा था कि श्री आनंदपुर साहिब संकल्प के बारे में गलत जानकारी थी। भाजपा का यूथ जिताएंगे बूथ पर मंथन तेज, तेजस्वी सूर्या बोले यूपी का माहौल ही अलग है, भाजपा देश को नई संस्कृति देने का काम कर रही है। बदायूं में गंगा स्नान को गया युवक डूबा, 3 दोस्तों को बचाने भवन में उतरा था, खुद डूब गया, गोताखोर कर रहे तलाश। सहारनपुर में नेट बंदी से 350 करोड़ का लेनदेन प्रभावित, गुजर गौरा यात्रा को लेकर 36 घंटे से इंटरनेट ठप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बड़ी परेशानी। शोहदे की डर से 8वीं की छात्रा ने स्कूल छोड़ा, लखनऊ में पीड़िता ने कहा अब्दुल स्कूल जाते समय अश्लील हरकतें करता, लौटते वक्त पीछा करता। मेरठ निगम ने चलाया डॉग चेकिंग कैचिंग अभियान, टीम ने 4 कुत्तों को पकड़ा, मालिक ने पिटबुल को दूसरी जगह किया शिफ्ट।
देवरिया रेलवे स्टेशन से 1.26 करोड़ का गोल्ड बरामद। 17 बिस्कुट कमर में बांधे थे, बैंकॉक से कोलकाता, अब गोरखपुर ला रहे थे सोना। फेसबुक पर दोस्ती अपहरण और बंधक बनाकर दुष्कर्म, देवरिया के युवक को भेजा गया जेल, उड़ीसा की महिला को भगाकर लाया था। दो महीने जिंदगी से जंग लड़कर हारी छात्रा, अपहरण कर सूरत से ले गया था युवक, दुष्कर्म की कोशिश में विरोध कर पेट्रोल डालकर जलाया था। बलिया में डीएम ने नाला निर्माण कार्य का लिया जायजा, 4.65 किलोमीटर में 700 मीटर का हो चुका है कार्य, जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कासगंज में पुलिस व बदमाशों की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर घायल, दूसरे मौके से फरार अवैध हथियार बरामद। कोतवाली पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा, ई रिक्शा से राहगीर का बैग चोरी करके फरार हुआ था शातिर, पुलिस ने सर्विस लांस की मदद से दबोचा। पति की पिटाई से आजिश होकर कराई थी हत्या, पुलिस की अरेस्टिंग से बचने को पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, 1 घंटे की मशक्कत से पुलिस ने दबोचा। अमरोहा में किसान को नौकर ने मार डाला, फावड़े से कई बार किए घर में लहूलुहान, पड़ा मिला शव, दोनों में हुआ था विवाद। सिद्धार्थनगर में 4 बच्चों की नदी में डूबने से मौत, क्रिकेट खेलने के बाद नहाने गए थे, लोगों ने सभी के निकाले शव। बांदा में गोवध के 2 तस्करों से पुलिस के मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दोनों घायल, पुलिस ने घोषित किया था 25-25 हजार का इनाम। बरेली में दुकान को लेकर मारपीट, दुकान पर कब्जे को लेकर पुलिस के सामने भिड़े, 5 मिनट तक जमीन पर गिराकर चले लात घूंसे। मेरठ में हादसे में सेल टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर घायल, चालक को भी आई चोट, 2 कारों की टक्कर, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। अयोध्या में स्थगित हुआ पानी सप्लाई बंद करने का आदेश, महापौर के निर्देश पर शिफ्ट होगा पाइपलाइन का बिछाने का काम। संतकबीर नगर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने किशोर को रौंदा, सब्जी लेकर आ रहा था, सड़क पार करते समय हुआ हादसा, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। नाला सफाई की कमेटी करेगी जांच, पार्षदों और अधिकारियों की तैयारी होगी ज्वाइंट टीम, सड़क पर कूड़ा फेंका तो 2,500 जुर्माना। वाराणसी में युवक की डंडे से पीटकर हत्या, चौबेपुर में बाइक सवार हमलावरों ने युवक पर हॉकी से किया हमला, तोड़ा दम। अमरोहा के बज्रघाट में दशहरा गंगा स्नान करते 13 युवक डूबे, नोएडा के युवक की मौत, 12 को गोताखोरों ने सकुशल बाहर निकाला। ललितपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने दरोगा पर लगाए उत्पीड़न का आरोप, लाइन हाजिर, सीओ जांच में जुटे। लकड़ी उठाने के विवाद में हुई मारपीट, 1 की मौत, शामली में कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर दरोगा लाइन हाजिर, 2 पर केस दर्ज। बेजलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, अब 2 जून तक बारिश का पूर्वानुमान, मई में 72 मिलीमीटर बारिश हुई थी, 53 सालों से सबसे कम गर्मी पड़ी। औरैया में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, टक्कर में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस।
बदायूं में उर्स मेले में फोर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेले में पुलिस की साठगांठ से कराया जा रहा था अश्लील डांस। कुशीनगर में युवती की लाश मिलने से 24 घंटे बाद घर वालों ने किया सड़क जाम, आरोपी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। उन्नाव पुलिस की प्रताड़ना से किशोरी ने किया आत्महत्या का प्रयास, किशोरी की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों में मारी टक्कर, टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुए घायल। देहरादून में 9 वर्ष उत्कर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति महोत्सव का हुआ शुभारंभ, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। बिना मेडल विसर्जित किए वापस लौटे पहलवान, गंगा सभा ने कहा ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं। हरिद्वार में 41 सवारियों से भरी बस खाई में गिरी, मासूम समेत 2 की मौत, ऋषिकेश के पास भी हादसा। भक्तों के लिए 22 घंटे तक खुला रहा केदारनाथ मंदिर, अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। पीएमजीएसवाई की 5 साल पूरी कर चुकी सड़कों का होगा उद्धार, 141 करोड़ 61 लाख रुपए जारी। उत्तराखंड के पयापौड़ी में खौफनाक वारदात, पत्थर से कुचलकर बुजुर्ग ग्रामीण की हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड में कथा की पूजा में बैठने को लेकर 2 वर्गों में विवाद, टेंट और लकड़ियों को किया आग के हवाले। उत्तराखंड में दूसरे समुदाय के युवक के नाबालिग को भगाने का मामला, दुकान व भवन खाली कराएंगे मकान मालिक। उत्तराखंड में यमुनोत्री दर्शन कर लौट रहे दिल्ली की यात्री की हार्ट अटैक से मौत, गंगोत्री में चालक की गई जान। रुद्रपुर सिडकुल की पायलट इंडस्ट्रीज कंपनी में इनकम टैक्स टीम का छापा, कर्मचारियों में मचा हड़कंप। पूर्व आईएएस रामविलास यादव से ईडी ने की पूछताछ, उत्तराखंड यूपी की संपत्तियों को लेकर जुटा रही है ब्यौरा। उत्तराखंड के देहरादून में हुई झमाझम बारिश, पड़े ओले, टोस व यमुना नदी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तराखंड के देहरादून कुछ देर की बारिश से उफनाई बांदल नदी, बाढ़ जैसे हालात देख खौफ में आए लोग। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की बड़ी घोषणा, बताया विशेष चिकित्सकों को बनेगा अलग कैडर। उत्तराखंड में शिकारियों द्वारा बाघिन के घायल होने का मामला, प्रमुख सचिव ने दिए जांच के आदेश। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी की स्पीच, कहा कुछ लोग सब जानते हैं, वो भगवान को भी सिखा सकते हैं, हमारे पीएम मोदी उनमें से एक है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का स्कूल बंद, 3 साल से स्टाफ की सैलरी नहीं मिली, शहबाज सरकार बोली वजह कुछ और है।
मणिपुर आईएसआई चीफ पर अरबों रुपए की घूस का आरोप। इमरान के दोस्त फैजल बोले 60 अरब रुपए के घोटाले में शामिल थे जनरल फैज। छब्बीस से 11 हमले के आतंकी की पाकिस्तानी जेल में मौत। लश्कर ए तैयबा का मेंबर था अब्दुल सलाम भुट्टावी, यूएन ने घोषित किया था आतंकी। मॉस्को में दो बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक। रूस ने यूक्रेन पर लगाया आतंकी हमले का आरोप। यूक्रेन बोला हमने नहीं किया, पर देखकर खुशी हुई। चीनी अमेरिका से बातचीत बंद कर दी है। डिफेंस सेक्रेटरी की मुलाकातें के नेतृत्व को ठुकराए, बोला चीनी सेना से बातचीत की कोशिश जारी रहेगी। युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर सजाए मौत। एलजीबीटीक्यू के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून पास। अमेरिकी सांसद ने रूसी सैनिकों की मौत पर जताई खुशी। रूस ने जारी किया अरेस्ट वारंट, कहा ऐसा सांसद होना हमें अमेरिका के लिए शर्मनाक है। किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट मिशन फेल। येलो सी में गिरा रॉकेट। जापान दक्षिण कोरिया ने जारी की चेतावनी। यूएन की रिपोर्ट में दावा मौजूदा संकट कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में आने वाले महीनों में और बढ़ेगा खाद्य असुरक्षा। अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजे। नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 1158.88 करोड़ रहा। रेवेन्यू 40% बढ़ा। दो हजार 23-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान। महंगाई से मिल सकती है राहत। आरबीआई ने जारी किया एनुअल रिपोर्ट। छह जून को लॉन्च होगी मिड साइज एसयूवी होंडा एलिवेट। 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स। पायलटों को 1,00,000 एक्स्ट्रा सैलरी देगी गो फर्स्ट। नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए रिटेंशन अलाउंस का ऑफर। फ्लाइट 4 जून तक सस्पेंड। टाटा टेक्नोलॉजी का रेनबो प्रोग्राम। जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 महिला इंजीनियरों को हायर करेगी कंपनी। सब्सिडी में हेराफेरी से बिका हर दूसरा दोपहिया वाहन। सरकार ने रकम में की कटौती, महंगी हो जाएंगी गाड़ियां। रघुराम राजन का दावा फेल हो जाएगी पीएलआई योजना। भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं। गोफर्स ने अब 4 जून तक अपनी उड़ानें रद्द की। 3 मई से जमीन पर एयरलाइन के विमान। ईंधन की कीमतें ऊंची रखकर मुनाफाखोरी कर रही है सरकार। चिदंबरम ने केंद्र पर लगाया आरोप। ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी के लिए करने जा रही 1,00,000 करोड़ का निवेश। 2038 तक जीरो एमिशन का है लक्ष्य। आईपीएल में पुराने खिलाड़ियों का शानदार कमबैक। पीयूष चावला एमआई के टॉप विकेट देकर बने। रहाणे ने 19 बॉल पर 50 लगाई। ऋषभ पंत को घुटने की दूसरी सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। एनसीए में कर रहे हैं रिहैम। वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद बढ़ी। सात्विक चिराग करियर की बेस्ट। चौथी वर्ल्ड रैंकिंग पर पहुंचे प्रणय और श्रीकांत को भी फायदा। सिंधु 13वें स्थान पर बरकरार है।
मलेशिया मास्टर जीतने के बाद प्रणय बोले ट्रॉफी जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, ट्रेनिंग से खुद को मजबूत कर चैंपियन बना। ट्रॉफी जीतने के बाद तिरुपति मंदिर पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स, किया विशेष पूजन का आयोजन। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार है, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया की तैयारी तेज, रोहित शर्मा की खास तस्वीर सामने आई है। धोनी और CSK के सम्मान में 2 जून को होगा बड़ा आयोजन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन होंगे शामिल। जोश हेजलवुड ने अपनी फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट, मुझे खुद के हर नेट सेशन के दौरान पूरी तरीके से फोकस रखना है। दुनिया के महानतम बॉक्सर की राह पर पहलवान मोहम्मद अली ने ओहियो नदी में फेंका था मेडल, अब रेसलर्स गंगा में बहाने की जिद। श्वेता तिवारी की बेटी पलक का खुलासा, करियर शुरू करने से पहले मां ने दी थी वार्निंग, कहती थी मेरी नाक मत कटाना। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर खुशी में झूमे स्लेब्स, विक्की सारा से लेकर रणवीर सिंह तक कई स्टार्स ने दी CSK को बधाइयां। डबिंग के बाद एक्टिंग डेब्यू करना चाहते हैं शुभमन गिल, बोले ड्रामा थ्रिलर फिल्म होगी पहली पसंद, लेकिन पहले एक्टिंग वर्कशॉप करूंगा। ऑटो रिक्शा में निकली आमिर खान की बेटी आयरा खान, यूजर्स ने किया ट्रोल, बताया पब्लिसिटी स्टंट है। शूटिंग के 6 दिन पहले फिल्म से बाहर निकाला सोनम बाजवा ने प्रोडक्शन कंपनी पर आरोप लगाया, बोली अच्छा हुआ वो फिल्में नहीं की। पंचवटी के कालाराम मंदिर पहुंची कृति सेनन, सीता गुफा में की आरती, आदि पुरुष की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद। आमिर खान ने किया भांगड़ा, कैरी ऑन जट्टा 3 के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे एक्टर, फैंस कर रहे हैं तारीफ। प्रियंका चोपड़ा करण जौहर का पुराना वीडियो वायरल, करण ने की शादी में न बुलाने की शिकायत, प्रियंका बोली आपने भी तो मुझे कभी नहीं बुलाया। इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला का टीजर आउट, लेट पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर बेस्ड है फिल्म। हॉलीवुड फिल्म को लेकर उत्साह से सामान था, सिटाडेल के बाद शुरू करेंगे चेन्नई स्टोरी की शूटिंग। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।